हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो हमने देखा था MySQL के साथ वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं, और साथ साथ हमने कंपेरिजन ऑपरेटर के बारे में देखा था। आज मैं जो बात डिस्कस करने जा रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? आपके लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं आपके। पहला आपका एंड होता है, और होता है नॉट होता है। तीन आपके लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा, कुछ से पहले जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें आपने लॉजिकल ऑपरेटर जरूर से जरूर देखा होगा। तो वहां पर इसे जो सिंबल होते थे, वहां पर सिंबल नहीं यूज करना है। जनरली हम उसका पूरा एंड लिखना तो एंड पूरा लिख देते हैं, नॉट लिखना तो नॉट लिख देते हैं, ऑल लिखना तो ऑल लिख देते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको देखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है हमारे पास कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है डेटाबेस में। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे स्टूडेंट के डेटा प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमने चलो एक एक यहाँ पर स्टेटमेंट लगाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट वेयर वेयर मैं चाहता हूँ रोल नंबर 1 का डिटेल निकल जाए, एंड जिसका डीओबी डेट ऑफ बर्थ, जो है आपका वो मैं चाहता हूँ इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू यहाँ पर मैं चाहता हूँ जिसका 1999-9902-04, ठीक है। तो अब इसी बात है, रोल नंबर 1 का ही आपका जो है, रोल नंबर 1 का ही आपका जो है 1 है, और इसका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो अब इस बात है एंड में जनरली क्या होता है, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर आपने आपने पढ़ा होगा, तो पहले तो एंड का सिंपल सा मतलब है, जैसे मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है तो उसमें दो दो क्वेश्चन लिखे, दोनों के क्वेश्चन के बीच में एंड लगा हुआ है। कि जैसे मान लो सपोर्ट है एक्सप्लेन द MySQL एंड एक्सप्लेन द आपका लॉजिकल ऑपरेटर, तो अभी से बात है एंड लगने कारण क्या होगा, आपको दोनों पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दोनों पार्ट एक्सप्लेन नहीं करते इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो एंड सिंपल से उसी तरीके काम करता है, जब भी एंड की बात करते हैं तो एंड के बाद जितने भी अगर आप लगाते हो इसका मतलब है यहाँ पर सारे, जैसे रोल नंबर 1 यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जिसका ये होना चाहिए, दोनों कंडीशन जहां मैच करेगी वही उसी का रिजल्ट दिखाएगा। तो अभी मैं देखूंगा तो आपका रोल नंबर 1 का रिजल्ट दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो अब इसी बात से ये आपका ये, क्योंकि रोल नंबर दोनों कंडीशन मैच नहीं होगी, क्योंकि रोल नंबर 2 का जो डेट ऑफ बर्थ आपका अलग है, तो रोल नंबर 2 या 2 तो मैच करेगा लेकिन यहाँ साथ साथ डेट ऑफ बर्थ ये वाला मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम रिकॉर्ड में दोनों मैच नहीं कर पाएंगे। दोनों मैच ना करने के कारण जो होता है कि हमारा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, जो होता है यहाँ पर इम्पटी सेट आ रहा है यहाँ पर। तो एंड ऑपरेटर ऐसे भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर दोनों जितने भी आप कंडीशन लगाते हो एंड एंड करके, उस सारे के सारे जो है आपके वो मैच होने चाहिए सिंगल रिकॉर्ड में, तभी आपका वो चीजें डिस्प्ले हो पाती हैं, ठीक है। जैसे सपोर्ट मैं यहाँ पर साथ साथ एक और भी लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ एंड लगा करके नेम इक्वल टू इस तरह करके मैंने आकाश लिख दिया। तो आपको देखोगे तो आपका यहाँ पर अभी रोल नंबर 2 का यहाँ पर नाम नहीं है, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो 1 का जो हो गया तो यहाँ पर आपका ये 1 रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एंड का एंड होता है, तो इस तरह से समझ सकते हो कि कैसे एंड काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और कैसे काम करता है। तो और के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बीच में जो है अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, आकाश वाले को नेम हटा रहा हूँ, तो मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ और लगा, अगर और लगाऊंगा तो यहाँ पर देखोगे आपका जो है ये इस तरह से यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर जो रोल नंबर 1 अभी जो अभी से बात, यहाँ पर चाहे ये कंडीशन सही हो चाहे ये कंडीशन, मैं बोलूँ कि अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ आ जाए कि एक्सप्लेन द MySQL एंड और एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर, तो अभी इसी बात से आप सोचोगे दोनों से एक ही एक्सप्लेन करना, अभी से दोनों में से एक ही एक्सप्लेन नहीं करना। अगर दोनों से एक्सप्लेन कर दे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दोनों से कोई भी एक्सप्लेन करते हो तभी काम चल जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर चाहे ये कंडीशन मैच करे चाहे ये कंडीशन, दोनों सिनेरियो में क्या होगा आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर देखोगे मैं रोल नंबर 2 कर देता हूँ, तो आपका क्या होगा यहाँ पर जिस वो रिकॉर्ड में जहां पर रोल नंबर 2 हो, या तो फिर डेट ऑफ बर्थ आपका जो यहाँ पर गिवेन है आपका वो डेट ऑफ बर्थ, दोनों से कोई भी मैच करता है वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो। तो अब ऐसी बात यहाँ पर दो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, क्योंकि रोल नंबर 2 इसका रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसका दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों से कोई भी रिकॉर्ड अगर मैच कर जाता है किसी भी रिकॉर्ड में, तो हमारा जो होगा वो डिस्प्ले हो सकता है। यहाँ पर आपको जैसे मैं साथ साथ यहाँ पर वो भी लगा सकता हूँ, मैं जो भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, मैं नेम कामा कॉन्टेक्ट ही चाहिए, तो हम केवल इतना ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, दो ही डिस्प्ले कर दो ही डिस्प्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा डिस्प्ले करेंगे पूरा लगा सकते हैं, स्टार लगा करके स्टार अर्ली में फर्स्ट वीडियो में डिस्प्ले किया था, जब सिलेक्ट बताया था स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम के डेटा को डिस्प्ले करना है। अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आप कॉलम को नाम देते हो तो उसको स्पेसिफिक उसी कॉलम का डेटा को डिस्प्ले होगा। तो ये दो हो गया एंड, और आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं और नॉट की बात करता हूँ, नॉट अगर सपोर्टेड मैं इसके आगे यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों को छोड़ करके,
इन दोनों को छोड़ करके जितने भी रिकॉर्ड है सब डिस्प्ले कर दो, तो देखोगे तो दो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, रोल यहाँ पर दिखा रहा है, आप स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रोल नंबर टू, क्योंकि रोल नंबर टू के आगे हमने डॉट लगाया था, मैंने बोला कि इसका मतलब क्या हुआ कि रोल नंबर टू का छोड़ करके, ठीक है, जहां पर रोल नंबर टू ना हो, ठीक है, इसका नॉट की जैसे आपका लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करता है, वो जो कंडीशन है उसको फॉल्स कर देता है, मैं ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, तो यहाँ पर रोल नंबर टू को ना मैच करे, ठीक है, उसके अलावा सारे मैच कर दे। अगर मैं चाहता हूँ सबको सबके साथ ऐसा हो, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को छोड़ करके डेटा डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, तो इस तरह से आपका, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकंड दोनों छोड़ दिया आपका, क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर टू मैच कराता और या डेट ऑफ बर्थ मैच करता, तो यहाँ पर दोनों आपका जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो साथ अगर सिंगल पे लगाना चाहो सिंगल पे भी लगा सकते हो, मैं नॉट मतलब, तो मैं चाहता हूँ रोल नंबर टू ना हो, बाकी सारे डिस्प्ले कर दे, तो यहाँ पर इस तरह से करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपका ये काम बन जाएगा। साथ ही साथ इसको, इस ऑपरेशन को आप ऐसे ना करके ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो, जहां पर मैंने लास्ट में, लास्ट वीडियो में नॉट नॉट बताया था, इस तरह से भी परफॉर्म कर देते हो, सेम रिजल्ट आपका आने वाला है यहाँ पर। तो आई थिंक ये बेसिक इसमें आपको क्लियर होगा कि एंड और नॉट कैसे होता है। अगर भेजे में बात नहीं होती है, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछिएगा, जो भी मैं होगा मैं आगे की वीडियोज में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम देखेंगे लाइक के बारे में, लाइक क्या होता है, कैसे लाइक यूज करते हैं, तो उसमें देखेंगे। तो टाटा बाय बाय।